हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में एक बार फिर आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और अभी कुछ समय से आपको लगातार वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे, आप लोग देख भी रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस भी आ रहे हैं। देखते रहिए इस चैनल को, क्योंकि हम ये चैनल आपके लिए लेकर आए हैं टू मेक यू एम्पावर। मैं बार बार लगातार ये कहता रहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर। पैसा पावर देता है, मनी गिव्स पावर, लेकिन ज्ञान अपने आप में शक्ति है। और लॉ की जानकारी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देर इज़ अ सेइंग, इग्नोरेंसी ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। विधि की अनभिज्ञता माफी योग्य नहीं होती है। देश में जब कोई कानून बनाया जाता है तो ये मान कर चला जाता है कि देश का प्रत्येक नागरिक इस कानून को जानता होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRPC के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। सेक्शन 2I CRPC में डिफाइन किया गया है वर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसे हिंदी में हम कहते हैं न्यायिक कार्यवाही। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, आपको ये जानना चाहिए अगर आप एक एडवोकेट हैं तो। अगर आप एक जज हैं तो ये आपका काम ही है, आपको पता ही होगा मुझे उम्मीद है। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको हर एक बात को जानना होगा, स्पेशली प्रोसीजरल लॉ को और लॉ ऑफ एविडेंस को। तो प्रक्रियात्मक विधि वो विधि होती है जिससे कि न्यायालय की प्रक्रिया का संचालन होता है। हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ इज अ लॉ विच कंडक्ट्स ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। और लॉ ऑफ एविडेंस को कहा जाता है लेक्स फोरी लॉ। लॉ ऑफ एविडेंस को हम कहते हैं मंच का कानून। अ लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट इज नोन एज लॉ ऑफ एविडेंस। अगर आपको प्रक्रिया विधि की जानकारी है और अगर आपको एविडेंस की जानकारी है तो यकीन माने किसी भी कोर्ट में आप दमदारी से खड़े हो सकते हैं। और अगर आप जज हैं और आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होगा। और कोई एडवोकेट आपके सामने ठीक से बात तभी कर पाएगा जब उसके खुद के पास जानकारी होगी। तो आज हम समझने वाले हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको इस छोटे से लेक्चर में। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए। मैं बार बार ये कहता हूं लेक्चर्स को बिना हेडफोन ऑन किए सुनना ही नहीं है। दूसरा, पेन और पेपर ऑन कर लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज इस लेक्चर को आप कब कब सुन सकते हैं, तो ये आपके लिए तब फायदेमंद होगा जब आपको पढ़ने का मन न हो। मैं कई बार ये कहता हूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जीवन में आप सीखना चाहते हैं तो 24 घंटे आपको लर्निंग मोड पे होना चाहिए। रिपीट कर दूं, 24 आवर्स। तो कैसे रह सकते हैं, दो सेकंड बताऊं इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। आपको जब कभी पढ़ने का मन ना हो रहा हो तो आप हेडफोन ऑन कर लीजिए, लेक्चर सुनते रहिए। आप खाना खा रहे हो, हेडफोन ऑन कर लीजिए, लेक्चर सुनते रहिए। आप कहीं बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो ये पूरा लेक्चर सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेडफोन ऑन कर लीजिए, सुनते रहिए। तो समय बर्बाद करने से अच्छा है समय का उपयोग करें, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही तो कीमती धन है। तो आइए शुरू करते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग इस टॉपिक को आज। तो न्यायिक कार्यवाही क्या है या जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि न्यायालय शब्द का क्या मतलब है, व्हाट कोर्ट मींस। तो जब आप न्यायालय शब्द की परिभाषा देखें तो आपको समझ में ये आएगा कि न्यायालय या कोर्ट का मतलब कोई प्रिमाइसेस, कोई ढांचा, कोई बिल्डिंग नहीं है। जबकि साधारणतः लोग ये समझते हैं कि कोर्ट का मतलब कोर्ट की बिल्डिंग है। तो कोर्ट का मतलब कोर्ट की बिल्डिंग नहीं है। न्यायालय जो शब्द है इसका मतलब है वेयर अ मजिस्ट्रेट और अ जज इज एक्टिंग जुडिशियली। तो जब कोई मजिस्ट्रेट या जज न्यायिक कार्यवाही कर रहा हो तो जहां कहीं वो न्यायिक कार्यवाही कर रहा है हम कहते हैं वही न्यायालय है, दैट इज द कोर्ट। और न्यायालय में क्या होता है, न्यायालय में ही न्यायिक कार्यवाही होती है। तो आप इस बात को बहुत ठीक से समझ लें कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इज अ प्रोसीडिंग बिफोर अ जज। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो न्यायाधीश के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने की गई कोई भी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होती है। लेकिन हम जब सेक्शन 2I CRPC देखते हैं, CRPC की धारा 2I जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 2I ये कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इज अ प्रोसीडिंग इन विच एनी पर्सन इज ऑथोराइज टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। ऐसी कोई कार्यवाही, ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें प्राधिकारवान व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, उसको ये प्राधिकार है कि वो शपथ पर साक्ष्य ले सके। तो ऐसी कोई भी कार्यवाही जहां पर मैं शपथ में साक्ष्य हो रहा है। शपथ क्या है, मैं आपको फिर से दो मिनट समझा देता हूं कि जब कभी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कोर्ट में, हिंदी में कहें तो अभिकथन और उर्दू में कहें तो गवाही, जब कोई साक्षी, कोई विटनेस आकर के स्टेटमेंट देता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है। शपथ का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप झूठ बोल देंगे तो कुछ अनिष्ट घटेगा आपके साथ में या दैवीय आपदा आ जाएगी, इस तरह के लोग समझते हैं। शपथ का केवल एकमात्र मतलब होता है कि जब कभी कोई ओथ लेता है, शपथ लेता है कुछ बोलने के लिए, तो वो सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है। ही इज बाउंड टू स्पीक ट्रुथ।
अगर वो सच नहीं बोलता, बाध्य का मतलब क्या है, मान लीजिए उसने शपथ लेकर के झूठ बोला, तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 193 आईपीसी में। मैं रिपीट कर दूं, शपथ लेने के बाद झूठ बोलना अपने आप में एक अपराध है। अपराधी के साथ क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन जो गवाह है जिसने झूठ बोला है उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है सेक्शन 193 आईपीसी में। तो 2I में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग की परिभाषा है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, वो ये है कि जहां कोई व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य ले सकता है उसको प्राधिकार है, अथॉरिटी है, और ऐसी कार्यवाही को हम कहेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही। अब इसमें 2-3 तरह की बातें आती हैं जो आपको समझनी चाहिए। जैसे पुलिस कोई कार्यवाही करती है, अगर आपने CRPC पढ़ा है तो सेक्शन 161 में पुलिस स्टेटमेंट लेने के लिए किसी व्यक्ति को समन करती है, बुला सकती है और उसका स्टेटमेंट ले सकती है। लेकिन क्या पुलिस शपथ पर साक्ष्य ले सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। मैं रिपीट कर दूं, पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि आपको शपथ दिलाए, कसम दिलाए और साक्ष्य ले। या जब कभी आपने स्टेटमेंट कोई पुलिस को दिया है, तो रिपीट कर दूं, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि सेक्शन 162 CRPC ये स्पष्ट करती है कि आपको उस पर हस्ताक्षर करने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स आपने जो कुछ भी कहा है आप उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, और इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी कुछ भी स्टेटमेंट आपने पुलिस को दिया है आप उस बात को सही बताने मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये प्रोसीडिंग का पार्ट क्यों है, ये CRPC में क्यों दिया गया है, ये भी मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात कहे जो वो कहना नहीं चाहता, पुलिस ने उसको डराया हो या धमकाया हो या कोई वो डर के असर में कह दे, तो उस बात की क्या मान्यता है। लेकिन माना यह जाता है कि जब आप जज के सामने होते हैं तो किसी प्रकार का डर और भय नहीं होता। उसका रीज़न है कि कार्यवाही ओपन कोर्ट में होती है, खुले न्यायालय में होती है। तो जज या मजिस्ट्रेट के सामने जब शपथ पर कोई साक्ष्य दिया जाता है तो हम कहते हैं वो न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा है। आइए कुछ स्लाइड्स में समझते हैं ये जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड कुछ बातें कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर हम कुछ केसेस में जाएंगे जहां पर में कोर्ट ने कुछ प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना है और कुछ को नहीं माना है, वो भी हम समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री और मीन्स दोनों ही एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं स्लाइड में जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या मतलब है। सो द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 2I ऑफ CRPC। ये जो परिभाषा है न्यायिक कार्यवाही की, ये CRPC की धारा 2I में दी गई है। अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड टू इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग या न्यायिक कार्यवाही में उस प्रत्येक कार्यवाही को शामिल किया जाता है जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता है या लिया जाता है। दस द पावर टू टेक एविडेंस ऑन ओथ इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक कार्यवाही का आवश्यक तत्व क्या है, तो उसका आवश्यक तत्व है कि शपथ पर साक्ष्य लिया जा सके। इट इंक्लूड्स इंक्वायरी एंड ट्रायल बट नॉट इन्वेस्टिगेशन। तो जब कभी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो उसमें विचारण और जांच, ये दोनों चीज़ें आएंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण की कार्यवाही नहीं आएगी। न्यायिक कार्यवाही में जैसा कि अभी आपने देखा स्लाइड में, दो तरह की कार्यवाही आती है, इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी के लिए हिंदी में शब्द है हमारे पास जाँच, और ट्रायल के लिए हमारे पास जो शब्द है वह है विचारण। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता। इसका एक अपवाद भी मैं आपको बता दूं, सेक्शन 202 में जहां पर मैं कोर्ट किसी को डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिपीट कर दूं, सेक्शन 202 CRPC में वहां कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए डायरेक्ट कर सकती है। जहां पर मैं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सेक्शन 202 CRPC में कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, तो ये इंक्वायरी और ये इन्वेस्टिगेशन दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग के पार्ट होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। साधारणतः इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग जो होती है, अन्वेषण की जो प्रक्रिया होती है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होती है। एन इंक्वायरी इन विच एविडेंस इज लीगली टेकन इज इंक्लूडेड इन द टर्म। ऐसी कोई भी कार्यवाही जाँच जिसमें कि शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता है वो न्यायिक कार्यवाही का भाग होती है। An inquiry is judicial if its object is to determine the jural relation between one person and another or a group of persons or between him or the community in general. तो कोई भी inquiry, कोई जांच जो है वो न्यायिक कार्यवाही का भाग होती है अगर उसमें ये निश्चित करना उसका उद्देश्य है, determine करना इसका उद्देश्य है कि दो लोगों के बीच में क्या वैधानिक संबंध है, वैधानिक दायित्व है। और इसीलिए even a judge acting without such an object in view is not एक्टिंग जुडिशियली। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई जज इस उद्देश्य से कार्य नहीं कर रहा है तो वो जुडिशियल एक्ट नहीं है, और इसीलिए ये कार्यवाही जुडिशियल कार्यवाही नहीं होगी। एन इंक्वायरी इन विच नो डिस्क्रिशन इज टू बी यूज एंड नो जजमेंट टू बी फॉर्म्ड बट समथिंग इज टू बी डन एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी इज नॉट अ जुडिशियल बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग।
तो ऐसी कोई जांच है जिसका उद्देश्य ऐसी विवेकाधीन शक्ति को यूज करना है, ऐसी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करना है जिसमें जजमेंट नहीं दिया जाता, निर्णय नहीं दिया जाता, लेकिन दायित्वों का निर्वहन होता है। तो ये कहा जाता है कि ये जुडिशियल एक्ट नहीं है, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, इसे हम विभागीय या प्रशासनिक जांच कहते हैं। दस प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कलेक्टर अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसलिए आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि कलेक्टर के सामने जो कार्यवाही होती है, विशेषतः लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण कानून में, ये न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, प्रशासनिक कार्यवाही। द फॉलोइंग हैव बीन हेल्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, निम्नलिखित को न्यायिक कार्यवाही माना गया है। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग जिसमें आती हैं भरण पोषण की कार्यवाही, एन इंक्वायरी अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, कोई कार्यवाही जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में की गई है, एन इंक्वायरी बाई अ मजिस्ट्रेट बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कोड, प्रोसीडिंग्स इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो ये कुछ चीज़ें हैं 144 के अंतर्गत, धारा 144 CRPC में जो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करता है वो, और डिक्री के निष्पादन में की गई कार्यवाही, ये सारी कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाही मानी गई है। कुछ और कार्यवाहियाँ हैं ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लें। सबसे पहला है एन एग्जामिनेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 ऑफ द कोड, जो कुछ भी कार्यवाही पुलिस अधिकारी करता है 161 CRPC में, ये न्यायिक कार्यवाही नहीं है। एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट सैंक्शनिंग अ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 196 और सेक्शन 197 ऑफ द कोड, अगर सरकार ने कोई अभियोजन के कार्यवाही को मान्यता दी है धारा 196 197 में, ये भी न्यायिक कार्यवाही नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी बाय अ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इन टू अ कंप्लेन मेड अगेंस्ट सब रजिस्ट्रार, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोई प्रशासनिक या विभागीय जांच कर रहा है तो ये भी न्यायिक कार्यवाही नहीं है। एन इंक्वायरी मेड बाय CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अ ग्रेव क्राइम वॉज अबाउट टू बी कमिटेड, ऐसी कोई कार्यवाही जहां पर मैं CJM साहब इस जानकारी को प्राप्त होने के बाद कार्यवाही करते हैं कि अपराध किया जाने वाला है, वॉज अबाउट टू बी कमिटेड, तो ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं माना गया है। सो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट लेक्चर में आपने समझा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, कौन कौन सी कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी गई है और कौन सी वो कार्यवाहियां हैं जिन्हें न्यायिक कार्यवाही नहीं माना जाता। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग को ठीक तरह से, पूरी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो थम्स अप करिए, शेयर करिए हर उस एक प्लेटफॉर्म तक जहां आप मौजूद हैं, और मत भूलिएगा हमको विजिट करना हमारी वेबसाइट www.vidhikshiksha.com पे। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आइए फेसबुक वॉल पर facebook.com/vidhikshiksha में आपका स्वागत है, जहां आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, आर्टिकल मिलेंगे, आपको लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं जानी या सुनी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।